वो मैंने मेरी पत्नी जो सामने सहायता समूह के मतलब अध्यक्ष हैं, तो NRM ने बताया कि आप आवेदन कर सकते हो, गल्ला वितरण का काम आपको मिल सकता है। तो हमने कहा ठीक है, आवेदन हमने ऑनलाइन कर दिया। नंदवार जी से बात हुई तो उन्होंने पैसे मांगे कि यहाँ आए तो बोले 50,000 रुपये लगेंगे, तब जाके काम हो पाएगा। मैं कैसा रहता तो नहीं कर पाऊँगा, मैं कम से कम कर दीजिए, इतना हो जाता हूँ कल। तो फिर आखिरी में हम लोग की 30 में बात हुई थी, क्योंकि सर को फिर मैंने आवेदन दिया कि सर मेरा ऐसा 30,000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो क्या है हम आपका काम करवा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये 30,000 के अभी एक आध पहली किस्त दे चुके हैं? जी सर, मैं 30,000 रुपये दे चुका हूँ। कब दिए थे? आज ही दिया सर। कितने दिन पहले बात हुई थी आपकी? कितने दिनों पहले? 5 दिन पहले बात हुई थी। नंदवाल जी, क्यों जी नंदवाल जबलपुर जबलपुर जाकर नंदवाल किसको दिया था? नंदवाल जी कौन है? अच्छा, दिनांक 16/3/2023 को प्रार्थी राजकुमार बर्मन लोकल कार्यालय उपस्थित आया है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी सपना स्व सहायता समूह चलाती है, और उनकी पत्नी के द्वारा आवेदन किया गया था। आजकल एक शायद खाद विभाग से एक योजना है कि जिस गांव में राशन दुकान नहीं है उन गाँवों में राशन वितरण के लिए दुकानें आवंटित की जा रही हैं। उप संबंध में प्रार्थी की पत्नी द्वारा आवेदन किया गया, और जब उक्त कार्य के लिए प्रार्थी आकर खाद्य विभाग में पदस्थ संतोष नंदनवार जी से मिला, खाद्य निरीक्षक जी को, तो उनके द्वारा उक्त कार्य कराने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई थी। हमारे द्वारा प्रार्थी को DVR लेकर भेजा गया, और रिकॉर्डिंग के दौरान मोल भाव कर 30,000 रुपये लेने को संतोष नंदनवार तैयार हो गए थे, जिससे आज दिनांक को 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़े।